सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि भला तुम ज्यादा जानते हो या खुदा, और इससे बढ़कर जालिम कौन है जो खुदा की शहादत को जो उसके पास किताब में मौजूद है छुपाए, और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो खुदा उससे गाफिल नहीं। ये जमात गुजर चुकी, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने किया और तुमको वो जो तुमने किया, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरतिश तुमसे नहीं होगी। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है, और इसी तरह हमने तुमको उम्मते मौतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, और पैगंबर आखिरुज़्ज़मां तुम पर गवाह बने, और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील किबला लोगों को ग्रां मालूम हुई, मगर जिनको खुदा ने हिदायत बख्शी वो इसे ग्रां नहीं समझते, और खुदा ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही खो दे। खुदा तो लोगों पर बड़ा मेहरबान और साहिब रहमत है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे, तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त उसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं खुदा उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी न करें, और तुम भी उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और इनमें से भी बाज के किबले के पैरों नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास दानिश यानी वही खुदा आ चुकी है उनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इन पैगंबर आखिरुज़्ज़मां को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जान बूझ कर छुपा रहा है। ऐ पैगंबर, ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। और हर एक फिरके के लिए एक सिमत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करते हैं, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहां होगे खुदा तुम सबको जमा करेगा, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। और तुम जहां से निकलो मस्जिद मोहतरम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्जाम न दे सके, मगर उनमें से जो जालिम है वो इल्जाम दें तो दें, सो उनसे मत डरना और मुझे से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम में तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं, और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे, सो तुम मुझे याद किया करो मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री न करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये न कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनूदी की बशारत सुना दो। इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाकई होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, और यही सीधे रास्ते पर हैं।
कोहे सफा और मरवा खुदा की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खाने काबा का हज या उमरा करे उस पर कुछ गुना नहीं कि दोनों का तवाफ करे, बल्कि तवाफ एक किस्म का नेक काम है, और जो कोई नेक काम करे तो खुदा कद्र शनास और दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं किसी गरज फासिद से छुपाते हैं, बावजूदे कि हमने उन लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसों पर खुदा और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूँ, और मैं बड़ा मुआफ करने वाला और रहम वाला हूँ। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर खुदा की और फरिश्तों की और लोगों की सबकी लानत, वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे ना तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और ना उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमान और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो दरिया में लोगों के फायदे के लिए रमा है, और मेह में जिसको खुदा आसमान से बरसाता